लोगों के लिए गुनाह हो सकती है, हमारी गाय माता है। गाय हमारी सनातन संस्कृति का अभिन्न अंग है, हमारी सभ्यता संस्कार की पहचान। गाय को हम माँ के रूप में पूजते हैं, घर की पहली रोटी गाय के लिए रखते हैं। आज देश के प्रधानमंत्री के साथ हर सनातनी गौ सेवा की अपील कर रहा है। गाय और किसान का अनूठा नाता है। प्रधानमंत्री कई बार मंच से भाषणों में गौ रक्षा का जिक्र कर चुके हैं, गौ माता के प्रति उनका प्रेम दिखता रहता है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली में गायों को पुचकारते हुए दिखाई दिए। तस्वीरों में पीएम मोदी और गौ माता का अनूठा प्रेम दिख रहा है। वहीं हाल ही में पीएम मोदी ने गौ माता और अपनी संस्कृति को बचाने की अपील भी की है। साथियों, एक और माँ है जो देश के बचपन को, हमारे जीवन को निरंतर पोषित करती आ रही है। ये माँ है हमारी गौ माता, जिसके दूध का कर्ज कम से कम भारत में कोई नहीं भुला सकता। गाय का घर गौशाला नहीं, किसान का घर है। गाय सिर्फ एक जानवर नहीं, हमारी भारतीय संस्कृति और जीवन का आधार है। इसलिए हमारे शास्त्रों में लिखा गया है, शुर्भि देवी नमस्तुते, यानी गौ माता आप पूजनीय हो। रामायण, महाभारत, भगवत गीता में भी गाय का किसी न किसी रूप में उल्लेख मिलता है। गाय भगवान श्री कृष्ण को अति प्रिय है, गौ पृथ्वी का प्रतीक है। हमारे प्रमुख पर्व त्योहार शुभ कामों में गाय का बड़ा ही योगदान होता है। हम लोगों ने गौशालाओं से बूढ़ी गायों को लेना प्रारंभ किया था। कुछ सड़कों पर कटने जाने वाली गायों को भी हम लोगों ने रुकवा कर गाँव में दिया है। ऐसी गायों की संख्या तो अभी, क्योंकि प्रथम चरण था, सबको विश्वास नहीं हो रहा था, गौशाला के लोगों में भी गाय देने में थोड़ा हिचक थी, परंतु हम लोग ऐसे 3000 गाय तक पहुँचे हैं आगे। और लेकिन गौ उत्पादक हमारे अब 10000 से ऊपर हो गए, जिन्होंने प्रशिक्षण लिया है, जिन्होंने उत्पादन का काम शुरू किया है। हम उम्मीद रखते हैं कि यह जो हमारा 2 करोड़ ऐसे परिवारों को जोड़ने का है, हम उसको 2-4-5 वर्षों में पूर्ण करेंगे। क्योंकि यह प्रारंभिक फेज जो रिसर्च का काम होता है, अनुभव का काम होता है और समय लेता है, परंतु जब उसका विस्तार होता है तो मल्टीप्लाई वो फिर बहुत तेज़ी से होता है। तो हम लोग आशान्वित हैं कि हम जल्दी ही देश के अन्य भागों में पहुँचेंगे। गौ माता की सेवा संस्कृति, धर्म और समाज की सेवा है। इसी उद्देश्य के साथ एकल श्री हरि गौ ग्राम योजना गांव गांव शहर शहर पहुंचकर गौ माता की सेवा और उनकी रक्षा के लिए लोगों को प्रेरित कर रही है। एकल श्री हरि गौ ग्राम योजना का मुख्य उद्देश्य गाय को किसान की उन्नति का स्रोत बनाना है। गाय बिकेगी नहीं तो कटेगी नहीं, गायों का अवैध व्यापार ना हो इसके लिए किसानों को गौ पालन के लिए प्रेरित करना होगा। गौ माता संरक्षण के अभियान को सफल बनाने के लिए एकल अभियान ने भव्य कुंभ का आयोजन किया और देश और दुनिया को ये संदेश दिया कि हमारी संस्कृति और सभ्यता की रक्षा के लिए गौ माता की सेवा करना कितना आवश्यक है। गौ माता की जय। एकल अभियान का लक्ष्य है कि वो शहरी क्षेत्र में निवास कर रहे ऐसे धर्मनिष्ठ परिवार जो किसान को दी गई गाय का एक वर्ष के भोजन और अन्य खर्च का वहन करें, और नगरों में संचालित गौशालाओं से गायों को किसानों के घर पहुंचाने का कार्यक्रम पूरा कर सके। कहते हैं कि किसी भी देश के समाज की पहचान उसकी संस्कृति से होती है और संस्कृति बनती है संस्कारों से। ऐसे में हमें आज ये सोचना होगा कि हमारी सभ्यता और संस्कृति को बचाने के लिए गौ रक्षा कितनी जरूरी है। हमारे पर्व त्योहारों को बचाने के लिए गौ रक्षा जरूरी है। किसान के घर के शोभा के साथ उनकी अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए गौ रक्षा बहुत जरूरी है।